भारत से मिली वनडे सीरीज में करारी हार के बाद न्यूजीलैंड एक बार फिर से वापसी कर चुकी है। न्यूजीलैंड आज अपना पहला वनडे मुकाबला बांग्लादेश के साथ खेल रही थी और यहाँ पे बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहाँ पे सिर्फ 48 ओवर में ही अपने सभी 10 विकेट गंवा दिए 232 रन बनाकर। अगर बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से सबसे अधिक मोहम्मद मुथैन ने यहाँ पे शानदार बल्लेबाजी की, 62 रन बनाए, 90 गेंदों का सामना किया, 5 चौके जड़े थे। उसके बाद मोहम्मद शदुफुद्दीन यहाँ पे 41 रन बनाकर बल्लेबाजी की, 58 गेंदों का सामना किया था सैफुद्दीन ने और यहाँ पे 3 चौके जड़े थे। बाकी कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेश का यहाँ पे फॉर्म में नहीं लगा, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड की टीम आज शानदार फॉर्म में दिखी और 44 ओवर में ही यहाँ पे 233 रन बनाकर मैच जीत लिया। यहाँ पे न्यूजीलैंड ने सिर्फ अपने 2 ही विकेट गंवाए, वह हेनरी निकोलस के रूप में और कप्तान केन विलियमसन के रूप में। आज कप्तान केन विलियमसन का बल्ला नहीं चला, सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं ओपनिंग करने आए हेनरी निकोलस ने 80 गेंदों में 53 रन बनाए 5 चौके की मदद से। वहीं मार्टिन गिप्टला शानदार फॉर्म में नजर आए, 116 गेंदों का सामना किया और 117 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 8 चौके जड़े थे और 4 छक्के जड़े थे। स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पे 100 के स्ट्राइक रेट के साथ मार्टिन गप्टिल खेल रहे थे। वहीं रॉस टेलर भी आज नबाद रहे, 45 रन बनाकर रॉस टेलर नबाद रहे। 49 गेंदों का सामना किया रॉस टेलर ने और 6 चौके जड़े थे। रॉस टेलर का भी स्ट्राइक रेट 91 रहा था और न्यूजीलैंड की टीम ने आसानी से बांग्लादेश को पहले ही वनडे मैच में हरा दिया। बांग्लादेश को यहां से अब आगे सिर्फ 2 वनडे मैच खेलने हैं और न्यूजीलैंड के लिए भी ये आखिरी वनडे सीरीज है। इसके बाद वो सिर्फ इंग्लैंड में ट्रायल मैच खेलेगी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।